प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डीजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत हम कक्षा 10 के संसाधन और विकास के अध्याय से शुरू करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में कुछ रोचक सवालों को भी हल करेंगे। फिर कक्षा 10 के अंग्रेजी के अध्याय नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक उसके बाद हम कक्षा 12वीं के अध्याय ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद हम लोग इस अध्याय के ऊपर कुछ रोचक प्रश्नों को भी हल करेंगे। ठीक इसके बाद हम लोग कक्षा 12वीं के अध्याय जीवों में जनन के बारे में चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद हम इसके आधार पर बहुत ही रोचक सवालों को भी हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम डीजी साथ, अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो फ्रेंड्स, हिंदी स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वह है संसाधन एवं विकास भाग दूसरा। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे मूल संसाधन क्या है और मृदाओं का वर्गीकरण कैसे होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हम भूमि पर रहते हैं, इसी पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग भी करते हैं। अतः भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ जैसे पर्वत पठार, मैदान आदि पाए जाते हैं। लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी क्षेत्र है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें भू उपयोग यानी भूमि का उपयोग कहां कहां और किस प्रकार से करना चाहिए। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, इसमें बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि, दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़क इत्यादि, प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि। यह तीन प्रकार की भूमि कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में आती है। दूसरा वन, हम भूमि का उपयोग वन में भी कर सकते हैं। तीसरा विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों तथा उपवनों के अधीन भूमि जो शुद्ध है, बोए गए क्षेत्रों में शामिल नहीं है। स्थायी चारागाहों तथा अन्य गोचर भूमि। चौथा पांचवा प्रति भूमि, वर्तमान प्रति जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती न की गई हो वह भूमि, और वर्तमान प्रति भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रति भूमि या पुरातन प्रति, जैसे कि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती न की गई हो। छठा शुद्ध यानी निबल बोया गया क्षेत्र, एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध यानी निबल बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो वह सकल कृषक क्षेत्र कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं भारत में भू उपयोग प्रारूप कैसा है। भारत में भू उपयोग प्रारूप 2 तरीकों से है, पहला भौतिक कार्य और दूसरा मानवीय कार्य। भू उपयोग को निर्धारित करने वाले
तत्वों में भौतिक कार्य जैसे भू आकृतिक, जलवायु और मृदा के प्रकार है तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल है। दोस्तों, यह थे कुछ भारत में भू उपयोग प्रारूप के विभिन्न भू। दूसरा, शुद्ध यानी निवल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जैसे पंजाब एवं हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, परंतु अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम क्षेत्र बोया जाता है। दोस्तों, यह थे दो प्रकार के विभिन्न रूप जिसमें हम भारत में भू उपयोग प्रारूप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय क्या है। दोस्तों, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय यह है कि भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसी भूमि का उपयोग करेगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम भूमि का सदुपयोग और समझदारी से उपयोग करें ताकि जो आने वाली पीढ़ी है यानी जो भावी पीढ़ी है उसके लिए भूमि निम्नीकरण न रहे। हम भोजन, मकान और कपड़े की अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल भूमि का निम्नीकरण हो रहा है बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। दोस्तों, हमें अपनी भूमि का उपयोग ठीक ढंग से और समझदारी से करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भूमि निम्नीकरण के कारण क्या हो सकते हैं। खनन के उपरांत खदानों वाले स्थानों को गहरी खाइयों और मलबे के साथ छोड़ दिया जाता है। खनन के कारण झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। पशुचारे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। पिछले कुछ वर्षों से देश के विभिन्न भागों में औद्योगिक जल निकास से बाहर आने वाला अपशिष्ट पदार्थ भूमि और जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत। चलिए दोस्तों, अब हम मृदा संसाधन के बारे में भी जानते हैं। मृदा यानी सॉइल यानी मिट्टी। मृदा संसाधन मिट्टी अथवा मृदा सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है। यह पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण भी करती है। प्रकृति के अनेकों तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, पवन, हिमनदी और अपघटन क्रियाएं आदि मृदा बनने की प्रक्रिया में योगदान देती हैं और जैव और अजैव पदार्थ मृदा के बनने की प्रक्रिया में भी योगदान देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि मृदाओं का वर्गीकरण कैसे और कितने भाग में हुआ है। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच, भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं, जैसे जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा और वन मृदा। दोस्तों, यह थे कुल 6 प्रकार की मृदाओं का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि मृदा अपरदन और संरक्षण क्या है। मृदा के कटाव
और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदल कहा जाता है। मृदा के बनने और अपरदल की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और दोनों में संतुलन होता है। मानवीय क्रियाएं जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण एवं निर्वाण इत्यादि से कई बार यह संतुलन भंग हो जाता है तथा प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिमनदी और जल मृदा अपरदल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार दोहरा लेते हैं कि हमने इस वीडियो में आज क्या सीखा। हमने इस वीडियो में आज सीखा कि भू संसाधन क्या होता है और मृदाओं का वर्गीकरण कितने भाग और कैसे हुआ है। दोस्तों, अब हम अगली वीडियो में सीखेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज हम आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का सेकंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट स्लाइड का है। दोस्तों, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी
यानी उनकी आत्मकथा का एक हिस्सा है। तो जो भी चीज़ें और जो भी बातें हम पढ़ेंगे और सीखेंगे वो सभी नेल्सन मंडेला द्वारा रिटन है, यानी उनके द्वारा रची गई हैं, उनके जीवन का एक्सपीरियंस है वो सब। आइए दोस्तों देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे। अबाउट नेल्सन मंडेला, मतलब नेल्सन मंडेला के बारे में और उनके जीवन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कुछ पढ़ेंगे। बिगिनिंग ऑफ ओथ डे। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया ही, ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी का एक हिस्सा है और इस चैप्टर में उन्होंने अपने जीवन में उस दिन का अनुभव बताया है जिस दिन वो साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बने थे। तो आइए हम नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ही वॉज साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मतलब वो दक्षिण अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 आउट ऑफ 400 सीट्स। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था और उसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी उस इलेक्शन में। स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन, वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। देखिए दोस्तों उन्होंने कोई क्राइम मतलब कोई अपराध नहीं किया था, वो तो अपने और काले लोगों के हक के लिए लड़ते थे जो गोरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसीलिए उनको जेल में रखा गया था। फॉट फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ द कंट्री, मतलब उन्होंने जो इलेक्शन यानी जो चुनाव लड़ा था वो उनके देश साउथ अफ्रीका का पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। उनका कहना था, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। इसका मतलब है आज के बाद इस खूबसूरत धरती पे कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएगा। उन्होंने कुछ इस तरह लिखा था, 10 में एक बहुत ही खूबसूरत और साफ दिन था। पिछले कुछ दिनों से दुनिया भर के कई बड़े और दिग्गज नेता मुझे बधाई देने आ रहे थे शपथ ग्रहण समारोह से पहले। ये शपथ ग्रहण समारोह अफ्रीका की मिट्टी पे पहली बार इतने बड़े स्केल पर हो रहा था। शपथ ग्रहण समारोह एक बहुत ही खूबसूरत एम्फीथिएटर यानी खुली जगह जहाँ बैठने का सारा प्रबंध होता है, सारा इंतजाम होता है, लेकिन उसकी छत नहीं होती। वो एम्फीथिएटर यूनियन बिल्डिंग का बनाया हुआ था बहुत दशकों से। दोस्तों दशक मतलब 10 सालों का समूह। बहुत दशकों से ये गोरे लोगों की कुर्सी थी, लेकिन आज सब बदल जाएगा। अब से कोई भी रेसिज्म यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, ना जात को लेकर ना रंग को लेकर। उस खूबसूरत सुबह मैं अपनी बेटी जिनानी के साथ आया था। स्टेज के ऊपर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने सेकंड डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए शपथ ली थी। उसके तुरंत बाद थैबू मबेकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के लिए शपथ ली थी। फिर आई मेरी बारी। मैंने कहा, आज हम सबकी मौजूदगी के साथ हम इस नए युग की शुरुआत करेंगे जिस पर पूरी मनुष्यता गर्व करेगी। इन सभी चुनावों से पहले तक जब गोरे लोग इस कुर्सी पर बैठा करते थे तब तक बहुत ही रेसिज्म यानी बहुत ही भेदभाव था, फिर चाहे वो जात को लेकर हो या रंग को लेकर हो।
लेकिन अब से इक्वालिटी रहेगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। काले लोगों को भी देश की सेवा करने का पूरा मौका मिलेगा। इमैंसिपेशन मतलब सारी रिस्ट्रिक्शंस, सारी रोक टोक हट जाएंगी, हर रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिलेगी। दोस्तों, आगे की कहानी हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमने आज के इस वीडियो में क्या सीखा? अबाउट नेल्सन मंडेला मतलब हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ बातें जानी, जैसे कि वो अपनी कंट्री साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था, और वो 30 साल जेल में भी बिता चुके थे। बिगनिंग ऑफ ओथ डे और उनके शपथ ग्रहण समारोह वाले दिन सुबह सुबह क्या हुआ वो भी हमने जाना। दोस्तों, आप सब भी अपने घर जाकर अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से सेकंड चैप्टर, जो आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वो ज़रूर पढ़ें ताकि आपको सब अच्छे से समझ आए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या हुआ। इनॉग्रेशन डेज थॉट यानी जिस दिन से काम शुरू करना था उस दिन नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, कैसे हो? पिछली वीडियो में हमने आपकी क्लास 10th का इंग्लिश का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो आपकी इंग्लिश की ही बुक फर्स्ट फ्लाइट का है, वो शुरू कर दिया था। दोस्तों, क्या आप सबको याद है कि हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था? हमने पढ़ा था कि ये चैप्टर नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का एक पार्ट, एक हिस्सा है, और हमने नेल्सन मंडेला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मतलब कुछ जरूरी चीजें जान ली थी, जैसे कि वो साउथ अफ्रीका के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका रंग गोरा नहीं था, वो जेल में 30 साल बिता चुके थे। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उन्होंने कोई क्राइम मतलब कोई अपराध नहीं किया था जिसकी उनको सजा मिल रही थी, वो तो अपने और काले लोगों के हक के लिए लड़ते थे जो गोरे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था, इसलिए उनको जेल में रखा जा रहा था। उनकी राजनीतिक पार्टी का नाम अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, जिसने 400 में से 252 सीट्स जीती थी। नेल्सन मंडेला ने जो इलेक्शन मतलब जो चुनाव लड़ा था वो उनकी कंट्री, उनके देश का पहला डेमोक्रेटिक मतलब पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इस चैप्टर में उनकी ऑटोबायोग्राफी मतलब उनकी आत्मकथा का वो हिस्सा है जिस दिन उनकी ओथ सेरेमनी यानी उनका शपथ ग्रहण समारोह था। आइए देखते हैं हम आगे के चैप्टर में और आगे की इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे और क्या क्या सीखेंगे। आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या हुआ था और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या आ रहा था। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जिस दिन उन्होंने काम शुरू करना था उस दिन से उनके दिमाग में, उनके मन में क्या क्या ख्याल, क्या क्या थॉट्स आ रहे थे। तो आइए आगे की कहानी हम शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला ने आगे की कहानी कुछ इस तरह लिखी है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद जब हम सब ने अपनी नजरें उठाई तो देखा कि एयरफोर्स यानी हवाई सेना के जहाज हमारे सम्मान, हमारे रिस्पेक्ट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे। आर्मी भी परेड करते हुए हमारे सम्मान, हमारी रिस्पेक्ट में हमें सैल्यूट कर रही थी। लेकिन मैं वो समय आज भी नहीं बोला था, मेरे दिमाग में और मेरे मन में अभी भी वही ख्याल थे कि कुछ समय पहले की ही बात है,
ज़्यादा साल नहीं हुए हैं जब यही ट्रूप्स मतलब यही जवान मेरे को अरेस्ट यानी गिरफ्तार कर लिया करते थे। वो दिन मेरे लिए बहुत यादगार है और मेरे लिए बहुत खुशी का दिन था। उस दिन देश में दो नेशनल एंथम यानी दो राष्ट्रगान बजाए गए थे। गोरे लोगों के लिए वही पुराना राष्ट्रगान था जो वो लोग शुरू से गाते आ रहे थे और जिसे गाने की परमिशन हम काले लोगों को नहीं थी, और हमारे लिए पहली बार बज रहा था हमारा राष्ट्रगान डाई स्टेम। भले ही उस दिन किसी को भी राष्ट्रगान के लिरिक्स यानी उसके बोल याद नहीं थे, लेकिन सब लोग दिल से राष्ट्रगान गा रहे थे, दिल से बहुत ही खुश थे कि उनको भी सम्मान मिल रहा है, उनको भी इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है। 20वीं सदी के पहले दशक में, दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि दशक का मतलब 10 सालों का समूह होता है। 20वीं सदी के पहले दशक में एंग्लो बोर वॉर मतलब एंग्लो बोर जंग के कुछ समय बाद ही गोरे लोगों ने जात पात और रंग को लेकर डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव शुरू कर दिया था। पर अब इस 20वीं सदी के आखिरी दशक में कोई भी रेसिज्म यानी कोई भी भेदभाव नहीं होगा, फिर चाहे वो जाति को लेकर हो या रंग को लेकर हो। और ये दिन हजारों के सैक्रिफाइस यानी बलिदान की वजह से आया है जो सोचा भी नहीं जा सकता। आज से हम सबको इक्वालिटी यानी एक समान दर्जा तो जरूर मिल गया है, हम सब आजाद भी हो गए हैं, लेकिन उस भेदभाव की पॉलिसी यानी उस नीति की वजह से हमारे देश और हमारे देश के लोगों के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे बाहर आने में हमें पीढ़ियां तो नहीं लेकिन कुछ साल जरूर लग जाएंगे। लेकिन जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इस पॉलिसी के भी थे। जैसे कि इतने सालों के भेदभाव के बाद भी कुछ बहुत जिगरे और हिम्मत वाले लोग बाहर निकल के आए, जैसे ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ डैडू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सुबुकवे। मेरा मानना है नफरत और भेदभाव कभी भी पैदा होने के साथ नहीं आती, वो बच्चों को सिखाई जाती है। कोई भी बचपन से डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं करना चाहता, ना वो जानता है। और अगर भेदभाव डिस्क्रिमिनेशन सिखाया जा सकता है तो प्यार भी सिखाया जा सकता है। बच्चों को ये भी सिखाया जा सकता है कि हमें प्यार के साथ रहना चाहिए, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या भेदभाव नहीं करना चाहिए। आगे की कहानी बच्चों हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा? आफ्टर ओथ सेरेमनी मतलब शपथ ग्रहण समारोह के बाद क्या क्या हुआ और नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह के बाद उनको सलामी दी जा रही थी एयरफोर्स और जवानों के द्वारा, और नेल्सन मंडेला के दिमाग में ये ख्याल आ रहे थे कि कुछ सालों पहले तक यही जवान मुझे अरेस्ट मतलब गिरफ्तार कर लिया करते थे और आज ये मुझे ही सलामी दे रहे हैं। इनॉग्रेशन डेज थॉट मतलब जब वो काम करने लगे तो उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। दोस्तों उनके दिमाग में ख्याल आ रहा था कि भले ही हम सब आजाद हो गए हैं, इक्वालिटी मतलब एक समान दर्जा मिल रहा है हम सबको, लेकिन भेदभाव की पॉलिसी मतलब उस नीति ने बहुत बुरा असर करा है, जिससे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ साल जरूर लग जाएंगे। दोस्तों आप सब अपने घर जाके अपनी बुक फर्स्ट फ्लाइट से चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जरूर पढ़ें, ताकि आपको कहानी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम देखेंगे थॉट्स इन माइंड ऑफ नेल्सन मंडेला मतलब नेल्सन मंडेला के दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है। थैंक यू।
नमस्कार दोस्तों, आज हम ठोस अवस्था का चौथा भाग शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आइए देखते हैं कि हम आज के इस वीडियो में कौन कौन से विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम धातु आधिक्य दोष के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में हम चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं धातु आधिक्य दोष से। अभी जो आपके सामने चित्र आया है वो NaCl ठोस का चित्र है। NaCl ठोस Na+ और Cl- से मिलके बना होता है। अब होता क्या है, एक जगह से Cl- गायब हो जाता है। Cl- के बाहर निकलने की वजह से उस जगह में एक इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन कब्जा कर लेता है तो उस जगह को जहां पर वो इलेक्ट्रॉन होता है उसे एफ सेंटर कहा जाता है। एफ सेंटर जो होता है वो ठोस को रंग प्रदान करता है। तो यह होता है धातु आधिक्य दोष। अब बात करते हैं ठोस के विद्युतीय गुण। अगर हम विद्युतीय गुणों के हिसाब से ठोसों का वर्गीकरण करें तो ठोस तीन प्रकार के होते हैं, चालक, विद्युतरोधी और अर्धचालक। चालक वो ठोस होते हैं जो अपने में से विद्युत को आराम से जाने देते हैं। विद्युतरोधी वो होते हैं जो विद्युत का विरोध करते हैं, उनमें से विद्युत नहीं जा पाती। और अर्धचालक वह ठोस होते हैं जिनमें से विद्युत किसी किसी अवस्था में जा पाती है और किसी अवस्था में वो विद्युत का विरोध करते हैं। अब बात करते हैं ठोस पदार्थों में विद्युत का प्रवाह। इसको हम बैंड डायग्राम से समझते हैं। बैंड डायग्राम में क्या होता है, दो तरह के बैंड होते हैं, एक होता है रिक्ति बैंड और एक होता है संयोजक बैंड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जो नीले रंग में बैंड है उसे रिक्ति बैंड कहते हैं और जो सफेद रंग में बैंड है उसे संयोजक बैंड कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो रिक्ति बैंड में मौजूद होता है, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि विद्युत का प्रवाह हो तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन को रिक्ति बैंड से संयोजक बैंड में डालना होगा। ये तभी मुमकिन है जब दोनों बैंडों के बीच का जो अंतराल है वो लघु हो या फिर वो हो ही ना। तो धातु के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है वो एक दूसरे के ऊपर समा जाते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, विद्युत के प्रवाह में कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता। और वहीं अगर हम बात करें अचालक की, तो अचालक के केस में क्या होता है, रिक्ति बैंड और संयोजक बैंड के बीच में जो अंतराल होता है वो काफी ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उस अंतर को लांग नहीं पाता और उसमें से चालन नहीं हो पाता। तो अब बात करते हैं अर्धचालक की। तो अर्धचालक के केस में क्या होता है, जो रिक्ति बैंड होता है और जो संयोजक बैंड होता है उसमें जो अंतर होता है वो लघु होता है। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को लांग पाता है और किसी किसी अवस्था में उस अंतराल को नहीं लांग पाता। इसीलिए अर्धचालक के केस में विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये था एनर्जी बैंड डायग्राम। अब बात करते हैं परिभाषाओं की। कुछ परिभाषाएं हैं जिनको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ी महत्वपूर्ण है वो परीक्षा के उद्देश्य से। पहली परिभाषा है अपमिश्रण। इस प्रक्रिया में चालकता बढ़ाने के लिए ठोस में उचित अशुद्धि मिलाई जाती है। वैसे तो हमने बचपन से ये सीखा है कि अशुद्धि को नहीं मिलाना चाहिए किसी भी चीज में, क्योंकि चीजें शुद्ध ही सही रहती हैं। लेकिन ठोसों के केस में ऐसा नहीं होता। ठोसों के केस में हम उचित मात्रा में अशुद्धि मिलाते हैं। इसका कारण ये है कि अशुद्धि मिलाने से ठोसों की चालकता बढ़ती है। तो यह अपमिश्रण की परिभाषा है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों की।
ये अशुद्धियां वो होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि। इन अशुद्धियों में कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है, जैसा इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में मौजूद होता था, इन अशुद्धियों में इलेक्ट्रॉन कम मात्रा में मौजूद होता है। इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धियों को अंग्रेजी में एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है और इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धियों को अंग्रेजी में पी टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। अब बात करते हैं ठोसों के चुंबकीय गुणों की। सबसे पहले बात करते हैं अनुचुंबकत्व पदार्थों की। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। अगर हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो वो क्षेत्र इन पदार्थों को अपनी तरफ दुर्बल रूप से आकर्षित करेगा। फिर आते हैं प्रतिचुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्रतिचुंबकत्व पदार्थों को अपने आप से दूर भेजने की कोशिश करता है। फिर आते हैं लोह चुंबकत्व पदार्थ। ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। मतलब अगर हम इन पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रख दें तो चुंबकीय क्षेत्र इन्हें प्रबलता से अपनी ओर आकर्षित करेगा। लोह चुंबकत्व पदार्थों का सबसे अच्छा उदाहरण है लोहा और कोबाल्ट और निकल। अब बात करते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थों की। इन पदार्थों में डोमेन जो होते हैं वह एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। तो यह थे ठोसों के चुंबकीय गुण। अब हम इस वीडियो के अंत में आ गए हैं, तो आइए देखते हैं हमने आज की इस वीडियो में कौन कौन सी चीजें पढ़ी। सबसे पहले हमने धातु आदि के दोषों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने विद्युतीय गुणों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने चुंबकीय गुणों के बारे में पढ़ा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें समझ आई होंगी। और एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आप रसायन विज्ञान की एनसीईआरटी भाग एक से ये सारी चीजें एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा और इस अध्याय के सारे प्रश्न एक बार हल कर लीजिएगा। ऐसा करने से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज भी हम अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने युग्मक जनन और युग्मकों की संरचना के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम आर्तव चक्र और अंडोत्सर्ग को समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, आर्तव चक्र मादा प्राइमेटो यानी कि बंदर, मनुष्य आदि में होने वाला जनन चक्र है। स्त्रियों में यह आर्तव चक्र प्रायः 28 या 29 दिनों की अवधि के बाद दोहराया जाता है। आइए जान लेते हैं कि यह होता क्या है। आर्तव चक्र नियमित प्राकृतिक परिवर्तन है जो महिला प्रजनन प्रणाली विशेष रूप से गर्भाशय और अंडाशय में होता है, जो गर्भावस्था को संभव बनाता है। यह ओसाइट के उत्पादन के लिए गर्भावस्था के लिए
तथा गर्भाशय की तैयारी के लिए आवश्यक है। एक ऋतुस्राव या रजोधर्म से अगले ऋतुस्राव या रजोधर्म तक के घटना को आर्तव चक्र कहते हैं और ये ऐसे ही चलती रहती है। आइए दोस्तों अब आर्तव चक्र के चरणों को समझ लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला चरण है वो है ऋतुस्राव या रजोधर्म, दूसरा है पुटकीय प्रावस्था और तीसरा है श्रावी प्रावस्था। अब दोस्तों ऋतुस्राव यानी कि रजोधर्म में रक्त स्राव होता है जो कि गर्भाशय की अंतःस्थ परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होने के कारण होता है। पुटकीय प्रावस्था में परिपक्व फॉलिकल का विकास होता है और दोस्तों श्रावी प्रावस्था में अंडोत्सर्ग के बाद की सारी घटनाएं होती हैं जिसमें कि पित्तपिंड का बनना भी शामिल है। आइए सबसे पहले अंडोत्सर्ग को समझते हैं। ये आर्तव चक्र की एक घटना है जिसमें कि अंडे और अंत में जो अंडाणु है वो बाहर की तरफ आ जाता है जिससे कि अंडोत्सर्ग का प्रक्रिया पूरी तरह से हो जाती है। यह अंडाणु गर्भाशय की ओर जाने लगता है। यह इस समय निषेचित हो सकता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो यह रजोधर्म के कारण गर्भाशय परतों के साथ साथ योनि से बाहर आ जाएगा। अब दोस्तों आर्तव चक्र में कुछ घटनाएं होती हैं तो अब हम उनको समझेंगे। सबसे पहली घटना है गर्भाशय घटनाएं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आप सभी को बताया कि आर्तव चक्र में कुछ चरण होते हैं जैसे कि ऋतुस्राव, पुटकीय प्रावस्था और श्रावी प्रावस्था। यहां पर मैंने दिनों को दिखाया हुआ है जो कि आर्तव चक्र में होते हैं। अब ये वाली लाइन रजोदर्शन यानी कि मासिक धर्म को दिखा रही है जिसका मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय की अतः स्तर और रक्त वाहिनियां नष्ट हो रही है जिसके कारण एक तरल पदार्थ योनि से बाहर आता है और ये वाली लाइन गर्भाशय घटना को दिखा रही है। अगर दोस्तों आप गर्भाशय घटना वाली रेखा को देखें तो ऋतुस्राव वाले चरण में ये नीचे की ओर जा रहा है जिसका सीधा साधा मतलब है कि यहाँ पर गर्भाशय अतः स्तर और रक्तवाहिनियां नष्ट हो रही हैं जिसकी वजह से ऋतुस्राव होता है और फिर बाद में ये ऊपर की तरफ जा रही है जिसका मतलब है कि गर्भाशय अपने आप को तैयार कर रहा है निषेचित अंड के लिए। और दोस्तों अगर निषेचन नहीं होता है तो अगले चक्र का आरंभ हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और पिट्यूटरी हार्मोन स्तर को समझते हैं। ये वाली रेखा LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को दर्शा रही है और ये वाली रेखा FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को दर्शा रही है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि पुटकीय प्रावस्था में ये दोनों हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH हार्मोन पीक पर होंगे जो कि फॉलिकल्स के विकास में मदद करेगा। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अंडाशय घटनाओं को समझते हैं। अब दोस्तों एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा पुटकीय प्रावस्था में ज्यादा होगी जिससे कि फॉलिकल्स को मैच्योर होने में मदद होगी और साथ में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी इसमें मदद करेंगे जिसकी वजह से अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग के बाद कॉर्पस लूटियम यानी कि पित्तपिंड बनता है जो कि प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न करता है जिसकी वजह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का उत्पादन रुक जाता है। आइए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि FSH और LH उत्पन्न हो रहे हैं और साथ ही में एस्ट्रोजन भी फॉलिकल्स उत्पन्न करने लगेंगे जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन है
वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर ट्रिगर करेगा, जिससे कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगेगा, जिसकी वजह से जो फॉलिकल्स है वो मैच्योर हो जाएंगे, मैच्योर ओसाइट बन जाएगा। ये मैच्योर ओसाइट अंडोत्सर के लिए एकदम तैयार है। यहां पर ये अंडाणु को रिलीज कर देगा, उसको निकाल देगा। और बचा हुआ हिस्सा पित्त पिंड यानी कि कॉर्पस लूटियम में बदल जाएगा। इसके बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में भी पढ़ा था। अब यहां पर पित्त पिंड कुछ चीजें उत्पन्न करेगा, जैसे कि प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन और इनहिबिन, जो कि फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन को रोक देगा। अब यहाँ पर पित्त पिंड जो प्रोजेस्ट्रॉन उत्पन्न कर रहा है, ये गर्भाशय अंतःस्तर और रक्त वाहिनियों को वापस बनाने में मदद करेगा, जिससे कि ये आर्तव चक्र फिर से चलता रहे। तो कुछ इस तरह से आर्तव चक्र होता है। आइए इसकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों को समझते हैं। रजोदर्शन, प्रथम ऋतु स्राव रजोधर्म, जो कि यौवनारंभ में शुरू होता है। रजोनिवृत्ति, स्त्री में यह आर्तव चक्र 50 वर्ष की आयु के लगभग बंद हो जाता है। इस स्थिति को रजोनिवृत्ति कहा जाता है। तो ये दोनों शब्द आप सभी को याद रखने हैं और इसकी परिभाषा भी। इस वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा, जिसमें कि हमने इसके चरण, इसकी घटनाएं और अंडोत्सर्ग को समझा। और दोस्तों, मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये टॉपिक को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण को समझेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज भी हम इस अध्याय मानव जनन को जारी रखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्तव चक्र के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम निषेचन और अंतरोपण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए निषेचन से शुरू करते हैं। अब निषेचन क्या है? अब दोस्तों, निषेचन एक प्रक्रिया है जिसमें कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है, जिसके बाद युग्मनज बनता है। और ये युग्मनज गर्भाशय की ओर यानी कि वोम्ब की ओर जाने लगता है, जहां पर इसका अंतरोपण हो जाता है। और यहां पर ही इसका आगे का विकास होगा, जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। अब ये निषेचन होता कहाँ पर है उसको हम जान लेते हैं। निषेचन एम्बुलरी इस्थमिक जंक्शन में होता है। निषेचन तभी हो सकता है यदि अंडाणु तथा शुक्राणु दोनों एक ही समय में एम्बुलरी इस्थमिक जंक्शन पर पहुंच जाएं। तो ये चीज आप सभी को याद रखनी है।
आइए दोस्तों, निषेचन को हम थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब ये शुक्राणु अंडाणु की ओर जा रहे हैं, जिससे कि निषेचन की प्रक्रिया ये पूरी कर सकें। ये बहुत ही तेजी से तैर रहे हैं अपनी पूंछ की मदद से। अब अंडाणु कोरोना रेडिएटा की कोशिका से ढका होता है, जिसको इन शुक्राणुओं को क्रॉस करना होगा, जिससे कि ये उसकी बाहरी परत जोना पेलुसिडा तक पहुंच पाए। एक बार जब ये जोना पेलुसिडा पे पहुंच जाते हैं, ये उससे अटैच हो जाते हैं स्पर्म रिसेप्टर की मदद से, जिससे कि इनके अग्रपिंडक कई सारे एंजाइम्स को उत्पन्न करने लगते हैं, जिसकी वजह से एक्रोसोमल प्रतिक्रिया होती है और ये अंदर की तरफ चले जाते हैं। सबसे पहला शुक्राणु जो यहां पर संपर्क करेगा, वो अंड को निषेचित कर देगा। अब इस घटना से अंडाणु में कुछ बदलाव होते हैं, जिससे कि जो बाकी के शुक्राणु होते हैं वो इससे अटैच नहीं हो पाते हैं। ये अंडाणु कुछ रसायन भी उत्पन्न करने लगता है, जो शुक्राणुओं को बाहर की ओर धकेल देता है। अब जब ये प्रतिक्रिया बाहर की ओर फैलती है, तो जोना पेलुसिडा परत कड़ी हो जाती है, जिसमें कि स्पर्म फंस जाते हैं। जोना पेलुसिडा के बाहर अब शुक्राणु अंडाणु से अटैच नहीं हो सकते हैं। अब इसी समय अंडाणु के अंदर कई चीजें हो रही हैं, जैसे कि जो मेल जेनेटिक मटेरियल होता है वो फैलने लगता है, और इसके आसपास एक झिल्ली बनती है, जिससे कि मेल प्रो न्यूक्लियस बनता है। इसके पास 23 गुणसूत्र होते हैं। दूसरी ओर फीमेल जेनेटिक मटेरियल भी विभाजित होना खत्म करता है और फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनाता है, इसके पास भी 23 गुण सूत्र होते हैं। अब जब ये दोनों बन जाते हैं, तो मकड़ी के जाली नुमा कुछ संरचना, जिन्हें हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, इन दोनों को पास पास लाने लगते हैं। जब ये दो सेट क्रोमोसोम्स के आपस में जुड़ जाते हैं, तो फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस समय एक अनोखा जेनेटिक कोड बनता है, जो कि बताता है शिशु का लिंग, शिशु के बाल का रंग, आंखों का रंग आदि। अब ये युग्मनज धीरे धीरे अंडवाहिनी के थ्रू गर्भाशय तक जाता है, जहां पर जिसका अंतरोपण हो जाएगा और जहां पर ये आगे विकास करेगा। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और एक्रोसोमल प्रतिक्रिया यानी कि एक्रोसोमल रिएक्शन को समझते हैं। अब जब शुक्राणु अंडाणु की सरफेस से अटैच होते हैं, तो वो एक्रोसोमल प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें कि शुक्राणु का अग्रपिंड कुछ एंजाइम्स उत्पन्न करने लगता है, जिसमें कि आते हैं हाइलोरिनिडेज। अब ये एंजाइम क्या करता है, अब हम इसको समझ लेते हैं। यह एंजाइम हाइलोरिनिक एसिड को लुप्त कर देता है, जो कि फॉलिकल कोशिकाओं या ग्रैनुलोसा कोशिकाओं के सीमेंटिंग के लिए जिम्मेदार है। दूसरा एंजाइम है कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम CPE। ये एंजाइम कोरोना रेडिएटर को घुला देता है। और तीसरा एंजाइम है जोना लाइजिन या एक्रोजिन। ये एंजाइम जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करता है। आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, जब द्विगुणित युग्मनज बन जाता है, तो वो अंतरोपण से पहले विभाजित होता है, जिसे हम क्लीवेज स्टेज कहते हैं। अब इसको समझते हैं। यह एक युग्मनज है, जिसमें कि विभाजन होता है और यह 16 कोशिकाओं में बदल जाता है, जिसको हम ब्लास्टोमेर्स यानी कि कोरक खंड कहते हैं। और ये सारी प्रक्रिया निषेचन होने के 24 घंटों के भीतर में होती है। 3 दिन बाद ये कोशिकाएं थोड़ी जटिल हो जाती हैं, जिससे हम कह सकते हैं तूतक यानी कि मोरूला। अब ये तूतक विभाजित होना जारी रखता है और ब्लास्टोसिस्ट यानी कि कोरक पुट्टी नाम की संरचना में बदल जाता है।
जिसमें कि यहाँ पर पोषकोरक यानी कि ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, जो कि प्लेसेंटा और दूसरी ब्लड वेसल्स को बनाने में मदद करती हैं, और यहाँ पर अंतर कोशिका समूह यानी कि इनर सेल मास होता है जो कि भ्रूण में बदल जाता है। आइए दोस्तों अब अंतरोपण यानी कि इम्प्लांटेशन को समझते हैं। आइए अब जान लेते हैं कि अंतरोपण में होता क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कोरक पुट्टी है ये गर्भाशय में पहुंच चुके हैं, जहां पर ये कुछ स्राव को अवशोषित करने लगती है और कुछ दिन बाद ये गर्भाशय की अंतःस्थल पर जाके चिपक जाती है, जिसे कि हम इम्प्लांटेशन यानी कि अंतरोपण कहते हैं। और यहाँ पर जो पित्त पिंडक होता है कॉर्पस लूटियम, जिस संरचना के बारे में हमने इससे पिछली वीडियो में बात की थी, वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को उत्पन्न करने लगती है, जिससे कि अंतरोपण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। इस वीडियो में हमने निषेचन के बारे में पढ़ा और हमने अंतरोपण को भी समझा। और दोस्तों मैं आप सभी को एक और चीज बताना चाहता हूँ कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी किताब के ये दो टॉपिक्स को खत्म कर लिया है। आप इनको जरूर घर से किताब से पढ़कर आइएगा। अगली वीडियो में हम भ्रूणीय परिवर्धन, प्रसव और दुग्ध श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। कक्षा 10 में संसाधन और विकास, कक्षा 10 में नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, कक्षा 12 में ठोस अवस्था और कक्षा 12 में जीवों में जनन। और साथ ही साथ हम लोगों ने इन सब के ऊपर कुछ रोचक सवालों को भी हल किया। आइए देखते हैं हम कल क्या पढ़ेंगे। दोस्तों कल हम कक्षा 10 में वास्तविक संख्या, कक्षा 10 में सूरदास, कक्षा 12 में संबंध एवं फलन और कक्षा 12 में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के ऊपर पढ़ेंगे। इस एपिसोड को जो हमने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी ये एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं, तो YouTube पर डीजी इकोवेशन सर्च करें और इस वीडियो तक पहुंचें। धन्यवाद।